हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि डेटाबेस को हमारे सिस्टम के साथ हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को यूज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गेट एपीआई क्रिएट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी एग्जाम्पल है अब देखें। ओके, सो यहाँ पे एपीआई बनाने से पहले हम एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे कि हमें हमारे पास मॉडल है के मॉडल्स फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी टेबल्स आप यूज कर रहे हैं वो टेबल का एक सिनारियो तो आपको वहां पे क्रिएट करना है, या कॉन्ट्रैक्ट हम जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे हमें क्रिएट करने की हमें क्या क्या चीजें लेने वाले हैं डेटाबेस से, और क्या क्या चीजें हमें आगे प्रोवाइड करनी है। तो मॉडल्स के अंदर दो फोल्डर्स होते हैं, जस्ट लाइक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। फॉर अ बेटर आउटपुट या बेटर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल्स के अंदर हमारे दो फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। या और भी होते हैं कि जैसे लाइक वर्जन कंट्रोलिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि V1 V2, कि V1 V2 इन द सेंस कि जो अंदर आपका रनिंग प्रोसेस होगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सक्सेसफुली सब चल जाता है, तो उस सिनारी में आप वर्जन 1 यूज करते हो। और इफ उस वर्जन के अंदर कोई भी डाउट या कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन, ये लॉजिकल होगा तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई चीज आपको स्ट्रक्चर वाइज चेंज करना है तो उस पर्पज के लिए आप क्या करते हो, आप वर्जन 2 करोगे तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा आपका वो हिलेगा नहीं। ये आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, स्मॉल में होगा तो आप तुरंत ही उस मोमेंट पे वहां पे चेंज करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमने दो कर दिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ओके, तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो एपीआई है वो जो स्टूडेंट का डेटा है वो पास ऑन करने वाला है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो यहाँ पे न्यू एटम जो हमारा होना है सी शार्प कोड, CS कोड, तो इसको हम नेम देंगे जस्ट लाइक स्टूडेंट रिस्पॉन्स। ओके, जो स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स होगा, स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट डेटा रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टूडेंट रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो इसको इंटर। ओके, तो सिमिलर फाइल का जो नाम है मेरा यहाँ पे आना चाहिए, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। ओके, और Ctrl+R रिमूविंग द अननेसेसरी फाइल्स। सो यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे हमारे कॉन्टैक्ट क्रिएट। तो कॉन्टैक्ट के अंदर हमें आएगा पब्लिक, पब्लिक के बाद आपको लिखना है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, देन Student ID, देन गेट सेमीकोलन सेट सेमी। ओके, इसी तरह आपको क्या है बाकी के प्रॉपर्टीज भी लिखने। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको Ctrl+D से मल्टीपल कर सकते हो आपके कितने जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली। एंड सिंपली आपको यहाँ पे रीनेम करना है नेम, फिर उसका जेंडर एंड उसका मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे आएगा ईमेल एंड लास्ट में उसका एड्रेस। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे दोगे एक समरी, यहाँ पे हम देंगे कि किस समरी देंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसके लिए तो हमें प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे स्टूडेंट रिस्पॉन्स मॉडल, कि किस तरह से हम क्या किस पर्पज के लिए यूज करें, वो स्पेसिफिकली IDs का जो शॉर्ट फॉर्म होगा उससे भी हमें पता नहीं चलता बाद में, तो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, जो स्टूडेंट आईडी का फुल फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट नेम, जहां जहाँ पे हाफ पे वहां पे उसको फुल कर सकते हो, या इसको कंप्लीट करने के लिए आप जो भी अलग अलग मार्केट के अंदर टूल है वो भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल अपना विजुअल स्टूडियो का जो ऑप्शन है समरी का उससे ही कर रहा हूँ। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, देन नेक्स्ट,
यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट ईमेल एड्रेस एंड लास्ट इसके अंदर स्टूडेंट होम एड्रेस। सॉरी, इस तरह से आपका जो स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो गया है। अभी इसको हम सेव करें, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज को देखेंगे। एंड देन रिक्वेस्ट के अंदर हम और एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसको ऐड न्यू। यहाँ पे क्लास के अंदर आपको लिखना है स्टूडेंट, एक भी फील्ड होगी तो भी हम उसका क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको हेडेक नहीं होगा, वो इजीली आप उसको मॉडिफाई कर सकते, ज्यादा चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देंगे पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी गेट। ओके, तो आप इफ आईडी पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिस्पॉन्स है आपको मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका डेटा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अभी फिर से हम जाते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर इफ आपको स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है जो भी टास्क। सो कॉलेज को जो डेटाबेस उसको सिलेक्ट करते हैं, न्यू क्वेरी करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमने क्या डेटा रखा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्लिक ऑन F5। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इतना डेटा है, 5 नंबर्स ऑफ रो डेटा है। स्टूडेंट आईडी हमने नॉर्मल 1 2 3 4 5 असाइन किया है, तो इसका एक प्रोसीजर बनाते हैं, उससे हम डेटा इजीली एक्सेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने देखा कि एपीआई के अंदर जो भी टेबल्स के अकॉर्डिंगली जो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है उसको यूज करके हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए। एक ही सेशन में सब चीजें करेंगे तो थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट होगा, कोई स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसके लिए हर एक सेशन में थोड़ा थोड़ा इसको कवर करेंगे हम। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो उस प्रोसीजर के अंदर हमारा रिक्वेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि जैसे लाइक जो हमारा आईडी होने वाला है स्टूडेंट आईडी एंड रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स के अंदर इस ए नंबर ऑफ चीजें आपको यहाँ पे आएगी। अभी यहाँ पे एक चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी, जैसे लाइक कि इफ आपने स्टूडेंट आईडी पास किया तो आपको स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी का डेटा मिलेगा। इफ आपने कोई भी आईडी पास नहीं किया या नल आईडी पास किया, इनकेस आपने नल वैल्यू पास की तो आपको सभी स्टूडेंट का डेटा आएगा। इफ आपने स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी पास किया तो उसके अकॉर्डिंगली डेटा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो, सीखने वाली चीज होगी कि एक सेम प्रोसीजर के अंदर आप दो डिफरेंट वैल्यू पास कर रहे हो विदाउट यूजिंग इफ कंडीशन। इफ कंडीशन आप इसके अंदर यूज नहीं करोगे तो भी आपको ये जो दो टाइप का डेटा है वो मिलने वाला है। तो लेट्स देखते आगे के सेक्शन में, जिसके अंदर हम हाउ टू क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर फॉर द वेब एपीआई। नॉर्मली जो आपका स्टोर प्रोसीजर है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते, मॉडल को कंसीडर करके, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस पीसी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।